हेलो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, बेटी की शादी पक्की हो गई। जी शुक्रिया। कौन साहब बोल रहे हैं? अच्छा, तो अब आप हमारी आवाज भी नहीं पहचान रहे। बदलता है रंग कैसे कैसे आसमां देखो। सोहनलाल जी, शुक्रिया भाई, मुझे तो सचमुच में फिक्र होने लगी थी। अगर आप मुझे पहचानने से इनकार कर देते तो मेरी रकम का क्या होता? नहीं नहीं नहीं, कैसी बातें करते हैं, आपके पैसे तो मुझे लौटाने ही है। लौटाने पड़ेंगे। देखिए, आपकी बेटी की शादी की खबर सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत। अब पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे पास बेटी की शादी करने के लिए पैसे हैं, तो जाहिर है मेरा कर्ज चुकाने के लिए भी पैसे होंगे। देखिए सोनला जी, मेरे पास तो मेरी बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं है। सारा खर्चा बाबूजी कर रहे हैं। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द आपके पैसे लौटाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे तो खुद क्यों परेशान होते हो, अपने बाबूजी को कह दो, तुम्हारा कर्ज उतारने में 2 मिनट भी नहीं लगाएंगे वो। आप जानते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम सब कर सकते हो लेकिन मेरे पैसे नहीं दे सकते। तुम मुझे अपनी बेटी की शादी का न्योता तो नहीं दोगे, लेकिन मैं दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने जरूर आऊंगा, मगर तोहफा देने नहीं, अपना तोहफा लेने आऊंगा। राजन बाबू, मेरा तोहफा तैयार रखना, वरना बेटी की शादी में वो हंगामा खड़ा करूंगा कि ढोल बाजे की जरूरत नहीं रहेगी। हे माता रानी, अब क्या होगा?